नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो डाला था CISF लाइसेंस से रिलेटेड, तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट जो लेके आए हैं CISF सैलरी से रिलेटेड, आपका वेतनमान CISF में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है ये, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अगर CISF ड्राइवर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपका वेतनमान कितना रहेगा। ठीक है, हम CISF से रिलेटेड पर्टिकुलर एक कीवर्ड पे, एक सर्च टॉपिक पे हम जो है वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको सभी चीज़ें बताई जाएगी, फिजिकल, सैलरी, लाइसेंस, एज, ठीक है, सभी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें रिक्वायर होगी CISF ड्राइवर में फॉर्म भरते समय। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, साइड में रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको टिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका CISF जो ड्राइवर की जो पोस्ट है उसमें आपका वेतनमान कितना होगा, क्या क्या आपका पे अलाउंसेस होगा, क्या आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस, ग्रेड पे वगैरह जो भी है आपका, क्या क्या आपको सैलरी के साथ इंक्लूड करके दिया जाएगा और टोटल आपकी सैलरी कितनी होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप नोटिफिकेशन के द्वारा हम बता रहे हैं आपको, CISF ड्राइवर जो है कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो पे स्केल है उसका उसका लेवल 3 के हिसाब से दिया था। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल होता है, ठीक है, जिसमें लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे लेवल पाए जाते हैं। ऑफिसर्स रैंक के लिए जो है लेवल 7, लेवल 8 जो या लेवल 10 जो है ये दिया जाता है। ठीक है, तो लेवल 3 के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा, जिसमें लेवल 3 में पे मैट्रिक्स आपका रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये तक। ठीक है, ये आपका वेतन रहेगा, मतलब स्टार्टिंग अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस समय आपको 21,700 रुपये दिए जाएंगे और आपका धीरे धीरे जो है समय अवधि के अनुसार जो आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा और एंड में जब आप रिटायर्ड होंगे तब आपको 69,000 तक आपका पेमेंट हो सकता है। ठीक है, अब पर रिवाइज जो है आपका पे बैंड कितना रहेगा, तो ये रहेगा आपका 5,200 से 20,200, ठीक है, आपका पे बैंड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको 200 रुपये जो है ग्रेड पे दिया जाएगा, ग्रेड पे दिया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे जैसे पोस्टिंग बढ़ती है, जैसे जैसे आपका जो अनुभव बढ़ता है, आपकी पोस्टिंग बढ़ती है, तो उसके हिसाब से आपको ग्रेड पे दिया जाता है, आपकी ग्रेड के अनुसार। आपकी ग्रेड अभी जो है कांस्टेबल की, उसके बाद अगर थोड़े समय में अगर आप प्रमोशन लेते हैं हायर पोस्ट पे तो आपका ग्रेड पे भी बढ़ता है उस समय। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है प्लस यूजुअल एंड एडमिनिस्ट्रेबल अलाउंसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द टाइम टू टाइम। ठीक है, और समय समय पर जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है, उनको जो अलाउंसेस या एडमिनिस्ट्रेबल दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, तो जो भी रूल रहेगा CISF सर्विस का, उसके अलावा जो भी आपको जो पेमेंट दिया जाता है वो समय समय पर इंक्रीमेंट होता रहता है और अलग अलग एक्ट के अलग अलग वेतनमान के रूप में आपको नए नए पेमेंट जो है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो इसमें हमने आपको बता दिया है कितना पेमेंट आपको CISF ड्राइवर में मिलता है। अगर कोई भी इनसे रिलेटेड इंक्वायरी हो, कोई भी कमेंट हो, आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम जो है उस डाउट को क्लियर करने में हमारा पूरा सहयोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।